एडसेंस में बैंक अकाउंट ऐड करना क्या आपको थोड़ा सी प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत ही इजीली स्टेप्स में आपको पता चल जाएगा किस टाइप से आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं अपने एडसेंस अकाउंट में। सो गाइस, एडसेंस अकाउंट में जैसे आपका $10 कंप्लीट हो जाता है तो आपको ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप कैसे अपने पेमेंट मेथड फिलअप कर सकते हो वहाँ पे, देखिए बहुत ही इजी स्टेप मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो देखिए क्या होता है कि आप जैसे $10 कंप्लीट होता है तो आपको आपका पेमेंट सेक्शन है, जो पेमेंट सेक्शन वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा एंड पेमेंट सेक्शन में ऐड पेमेंट मेथड आपका ओपन हो जाएगा। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म आएगा, तो उस फॉर्म में आपको बैंक डिटेल्स भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेनिफिशियरी आईडी आएगा। आप बहुत किसी को लगता है कि बेनिफिशियरी आईडी है क्या, इसको क्या भरे क्या नहीं, तो देखिए आपको बेनिफिशियरी आईडी छोड़ देना, उसमें कुछ भी भरना नहीं है, वो ऑप्शनल है, उसमें कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद अगला है नेम, आपका रियल नेम जो है, चैनल नेम का बात नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, आपका जो रियल नेम है वो रियल नेम आपको डाल देना है। साथ में उसके बाद नीचे आपको नेम ऑफ बैंक, आप कौन सा बैंक यूज करते हैं, लाइक बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कोई भी बैंक हो। आफ्टर देन आईएफएससी कोड, तो आईएफएससी कोड आपको डायरेक्टली अपने जो बैंक अकाउंट का पासबुक है वहीं से मिल जाएगा, तो आप वहीं से ले सकते हैं आईएफएससी कोड। आफ्टर देन स्विफ्ट कोड, तो स्विफ्ट कोड में मेनली लोगों का प्रॉब्लम होता है कि स्विफ्ट कोड कहां से मिलेगा, क्योंकि स्विफ्ट कोड जो होता है वो बैंक अकाउंट का पासबुक में नहीं दिया रहता है, मेंशन नहीं रहता वहां पे कहीं भी। तो स्विफ्ट कोड आपको कहां से मिलेगा, देखिए आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा, बट आपको यहां पर अगर डाउट रहता है कि ये ओरिजिनल स्विफ्ट कोड है कि नहीं इस ब्रांच का, तो आप बैंक मैनेजर से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बैंक मैनेजर आपको स्विफ्ट कोड प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद अकाउंट नंबर भी आपका जो बैंक का अकाउंट नंबर है वो आपको वहां पे एंटर कर देना है। इसके बाद इंटरमीडियरी बैंक, तो यहाँ पे इसे ब्लैंक छोड़ देना है, इसमें कुछ भी फिलअप नहीं करना है। आफ्टर देन एफएफसी और एफबीओ, तो इसे भी आपको ब्लैंक छोड़ देना है। तो इन दोनों में बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि इसमें क्या डाले, तो इन दोनों को ब्लैंक छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं डालना है। आफ्टर देन आपका टिक करने का आएगा कि सेव एज प्राइमरी बैंक अकाउंट, तो वहां पे आप टिक कर सकते हैं, आप अगर चाहे कि इसमें मेरा हर पेमेंट आए तो उसे आप क्लिक कर लीजिएगा, अदरवाइज आप उसे क्लिक मत कीजिए। आफ्टर देन सेव कर लीजिएगा, तो आपका जो पेमेंट मेथड है बैंक ऐड का, तो वो बैंक आपका ऐड हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते अपने एडसेंस अकाउंट पे। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ऐसे और भी वीडियोस के लिए, एंड वीडियो लाइक करके जाइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।